As you can see, हमारा सामान सब कुछ ऑलमोस्ट पैक हो चुका है। इस पे मैंने अपना सामान वगैरह रख लिया है, ये तो खैर गाड़ी में रखना है, बाकी सब कुछ रख दिया है, इसमें रख दिया, इसमें रख दिया है। अब एज अ कंटेंट क्रिएटर से दो दो तीन तीन बैग होते हैं मेरे, बिकॉज जिसमें एक में लैपटॉप रखना है, एक में कैमरा रखना है, एक में कैमरे का सामान रखना है, पता नहीं क्या क्या। सो बड़ा लफड़े वाला काम है। एंड गाड़ी में वापस ही लेके आऊँगा अपने साथ ही, गाड़ी में ही आऊँगा, बिकॉज इतना सारा सामान मैं और किसी वे से ला नहीं सकता। सो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, मेरी एक पार्सल आना है नाइकी का, उसका वेट कर रहा हूँ एंड उसे लेके ही जाऊँगा, बिकॉज़ कल चेस्ट डे है। तो अब चेस्ट डे में तो यू नो चाहिए ही सिस्टम, थोड़ा कंप्रेशन वाले नहीं, पता भी चल जाएगा कैसा। आई होप सही आए, बिकॉज रिसेंटली जो भी जितने भी साइज़ मैंने मंगाए हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे आए हैं। H&M का एक शॉर्ट्स थे, वो थाइज़ मेरी बहुत मोटी हैं इसीलिए उसमें वो बहुत ही ज़्यादा टाइट आ रहे थे। वेस्ट से तो इट वॉज़ गुड, 32 ही वेस्ट है मेरी। एंड उसके बाद जो मैंने बूहू मैन की वो मंगाई थी, स्लीवलेस ओवर क्या था, स्लीवलेस ओवर साइज़ थी जो टी शर्ट, वो भी कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई, बल्कि मेरे पास लार्ज ही आता है, बट वो लार्ज बहुत ज़्यादा बड़ा है, मुझे मीडियम मंगाना चाहिए था। अगर आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे आपको पता होगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि ऐसे साइजेस में ऊपर नीचे हो रहा है, तो आई डोंट वांट उस वाले उसके लिए कि उसमें भी साइज़ की दिक्कत हो, नाइकी वाली कंप्रेशन के लिए। अब कंप्रेशन ज़्यादा बड़ी ही चाहिए होती मुझे अपने साइज़ के हिसाब से, तो लेट्स सी क्या आता है। उसको लोगे, उसको पार्सल को लेके एंड चलेंगे फिर सीधा टीरी, मिलेंगे आपको सीधा घर पे। आज जा रहे हैं हम दादी से मिलने, जैसे ही हमने बता दिया, तो मिलते हैं फिर। व्लॉग शुरू करेंगे। ये है पापा, ये मैं हूँ और ये मेरी बहन है। व्लॉग नहीं होगा, गाड़ी चलाते हुए है? आज तो व्लॉग ही व्लॉग होगा पापा, गाड़ी चलाते हुए। गाड़ी भी मैंने चलानी है। इधर ही आएगा, जूते जूते हटा दो। अरे ऑडियंस को है तो बोल दो, कितने आ जाइए ऑडियंस को है तो बोल दो पापा। एक मिनट हट जा, सीट के नीचे रख दूंगा आगे मैं। है ऑडियंस को है तो बोल दो क्या भाई। गाड़ी तुम्हारे भाई ने चलानी है, सामान भी मैं, चार पांच बैग मैं ही लेके आया। ये लाइट किस हवा। सो गाइस अब हम जाएंगे टीरी, गाड़ी देखो ऐसी होती है हमारी गाड़ी भरी हुई। अब मैं जब मेरे पे बहुत सारे पैसे आएंगे तब मैं दो दो गाड़ियां खरीदूंगा, एक सिर्फ सामान ही सामान के लिए, जिसमें से सामान ही सामान आएगा पापा। क्यों वो खरीदेंगे? एक्सयूवी। हाँ वो यूटिलिटी क्या वो Isuzu होती है, कौन सी कंपनी हो? Isuzu की नहीं आती चार है? Isuzu वो भी जो भी है। चार चलने वाले हैं और अब निकलते हैं। रास्ते में कहीं भी रुकेंगे तो आप लोगों को दिखा देंगे, और रास्ते पे नहीं रुकेंगे तो फिर आप लोगों से सीधा दादी के पास मिलेंगे या फिर अपने घर पे मिलेंगे। मैं तो दादी के पास ही जाऊंगी, मैं तो नहीं छोड़ रहा आपको दादी के पास, बस मैं तेरे उस पर डिपेंडेंट हूं। और नहीं तो क्या, ये मेरी गाड़ी है, तेरी गाड़ी है, तेरी कार है, ठीक है? मेरी गाड़ी में बैठे हो, मेरी कार में तू बैठा है, समझ में आई? मतलब चल चल ड्राइवर, मतलब ही नहीं होता। अरे यार एक दिक्कत हो गई ना, आपकी भी शादी के बाद भी आप नेगी हो, अगर आप शादी के बाद नेगी नहीं होते ना तब तो मैंने सीधा कागज खोल लेते यहाँ से डॉक्यूमेंट्स। तो अब लड़की का सरनेम चेंज करना कोई जरूरी नहीं है, ऐसा है भाई रीति रिवाज थोड़ी चेंज कर देंगे आजकल की लड़कियों के चक्कर में। हर्ट हो गई, हर्ट हो गई मेरी बहन, मेरी बहन हर्ट हो गई गाइस। सिक मेंटालिटी नहीं है ये, कल्चर है, ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा। तू कर ऐसा, हम तो ठीक है, हम खुश हैं, ठीक है ना, मिलते फिर ऊपर। क्यों पापा होना चाहिए ना जेरी। वाओ वाओ जेरी। अरे यार पापा अभी हम पहुंचे हैं जॉली ग्रैंड और अभी हम खा रहे हैं अपनी डाइट में मोमोज। पापा ने जो है पापा जी ने एक कॉर्नर ढूंढा हुआ है जिसका नाम है बाबा जी कॉर्नर। पापा बोल रहे कि यहाँ के मोमोज थोड़े कुछ हैं सही, तो देखें जरा। सेवन बेसिक
तो अभी हम जॉली ग्रैंड में हैं और अब हम जाएंगे इसके बाद सबसे पहला स्टॉप आएगा नरेंद्र नगर, अगर वहाँ रुकेंगे तो ठीक है वरना आगरा काल में तो रुकेंगे ही, तो वहीं आपसे मिलते हैं नेक्स्ट, है ना मम्मी? मम्मी तो सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं अपने बड़े वाले चाचा के घर, और अब जेरी अब आप देखना, अब आप यहाँ पे क्या देखोगे? हाँ आपको यहाँ पे कुकुर मिलेगा, एक बढ़िया वाला सिस्टम है लौंडे, बढ़िया। इसको देखो, इसको देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ ऊपर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको पहचान रहे हो? तुम ये पहले भी मिलाया मैंने इससे सिस्टम से। हाँ बेटा, हाँ नीचे जाने, नीचे जाने है। नमस्ते नमस्ते, ले 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 ले, चलो अंदर अंदर अंदर, बहुत एक्टिव है भाई ये दादी, ये यार बहुत खराब हो रही है गाइस, इन दोनों को ना रखो ऊपर ही रखो, जेरी को बाबू मिल गया, देखा मेरा सिद्धू अच्छा, जेरी को बाबू मिल गया, देखो गर्मी की ना, गर्मी को काटने पड़ते हैं, अब देखो कैसे खेल रहा है उसके साथ, खेलो खेलो जेरी उसके साथ खेलो, बाबू बाबू डॉगी डॉगी हमारे चाचा और ये भाई ने सामने शाही थरवा भाई, शाही बनी रहे, छोड़ देता उसे, ये देखो अभी भी पकड़ रहा है इसको, ये देखो ये देखो गाइस कैसे फसोड़ रहा है इसको, सुला तो नहीं करा, वो देखो 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 कैसे चढ़ रहा है उसके ऊपर, अबे अबे बैल का पीछे ही इसके निकल गया, सोच रहा होगा यार स्टॉप कर, चलो ऊपर, हां ऊपर चलो, दिखाना फोन दे दो, इसके मतलब वो ये पता है क्या, ये क्या चीज है भाई, ये क्या चल रहा है, पता नहीं भाई क्या देख रहा है, उसके साथ खेलता जा रहा है, हमारी जो है दादी की तबीयत काफी खराब हो रखी है, अब उन्होंने जो है इतनी पुरानी कह रहा हूँ, इतनी ओल्ड एज हो चुकी है कि कितनी एज हो चुकी है, 90 पार, तो 92, 93, 94 तो होगी कम से कम, तो उन्होंने अब वो छोड़ दिया है कि जो है क्या छोड़ दिया, मोह माया होती है ना, जो एक मोह माया सब गई, ममता होती है ना कि जैसे मैं भी गया उनके पास तो बस देखा बस ठीक है, ज़्यादा ऐसे नहीं किया, अरे श्री ये वो सब कुछ नहीं, बस जाते जाते कि ऐसा नहीं होता सब, क्यों कैसे करने साई इसको कम, बंद करो इसको, भी होता है चाचा आप कुछ बोलना चाहेंगे ऑडियंस को, चाचा कमजोर हो रखे इस बारी पर, और मैं कैसे लग रहा हूँ चाचा जैसे लगते हो सुपर से भी ऊपर, अब हम आपको दिखाते हैं अपनी चाची और ये हमारी बीच वाली चाची है, और ये हमारे अरे ये हमारे बीच वाले चाचा है, यूं कर दो चाचा यूं, ये सीधा लव यू, और ये हमारी बड़ी चाची है, चाची ऑडियंस को जरा कुछ बोल दो, जरा लव दीदी कुछ भी हाय हेलो बोल दो कुछ भी, बस हाय सब कमेंट में हेलो लिख देना भाई, बराबर आज शिवरात्रि थी जो है, तो आज जो है बढ़िया खाना खाया जा रहा है,
पूरी शूरी और क्या क्या चाची? पूरी है, सूरी नहीं है। और सूरी नहीं है मतलब चाचा बताएंगे। पूरी है तो होती है, छोले हैं, छोले हैं और कद्दू का रायता, रायता तो मैंडेटरी है और झंगूरे की खीर है। वाह, तैड़ की सब्जी है। तैड़ की सब्जी, तैड़ क्या हुआ चाचा? तैड़ हमारे गढ़वाल में होती है, बहुत गहराई में होती है, गहराई में उसी जड़ होती है। अगर जैसे कहीं दूसरी उसमें क्या बोलेंगे तैड़ को, क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता। अरबी 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 होती है? ना अरबी अलग चीज है। अच्छा, अरबी अलग होती है, तैड़ है गढ़वाल में, शिवरात्रि में जरूर बनता है। अच्छा, बहुत गहराई में मिलता है। इसकी ऐसी होती है ना, बस एक सिग्नल ऐसी बेल सी आई रहती है जमीन से, बहुत खोदना पड़ता था, मिलता है। इसके दांत देखो जरा चाची, इसके दांत कब सही करा रहे हो? लगवाने वाले ब्रेसेस, मैं भी लगवाने वाला हूँ भाई, मैं भी लगवाऊंगा। आपको ज्यादा जरूरत है वैसे जरूरत तो तुझे ही ज्यादा है, पर मैं भी लगवाऊंगा। चलो गाइस, फिर मिलते हैं कल, दिखाते हैं सिस्टम आप लोगों को कल।